पटना के बाईपास थाना इलाके के केशव सरस्वती विद्यालय के पास फिनोलिक्स बिजली वायर की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की लपेट पूरी तरह गोदाम को चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आगजनी की इस घटना से करीब 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गया के डुमरिया प्रखंड के भदवर थाना क्षेत्र के सखुआरती और गंसा के जंगलों में लगभग 27 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसलों को पुलिस की टीम ने नष्ट किया। डुमरिया इमामगंज सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में रहती भूमि और वन विभाग के भूमि पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की गई थी। अफीम को तैयार होने से पहले ही SSB 29वें वाहिनी के जवानों ने उसे नष्ट कर दिया। इस अभियान में वन विभाग के अधिकारी अंचल अमीन के अलावा काफी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। जहरीली शराब से मौत मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दूसरी टीम भी आज बिहार आ रही है। DG मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में 2 दिवसीय दौरे पर आ रही आयोग की टीम छपरा और सिवान का दौरा करेगी। टीम के दौरे को लेकर बिहार सरकार को जानकारी दी गई है। बता दें कि एक टीम पहले से बिहार दौरे पर है, जहां टीम के सदस्य छपरा में जानकारी जुटा रहे हैं। सारण में जहरीली शराब से मौत का मामला अभी थमा नहीं कि बिहार JDU के राज्य परिषद सदस्य कामेश्वर सिंह के मकान से शराब का जखीरा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार 60 पीस फ्रूटी, 3 बोतल विस्की, 2 लीटर स्प्रिट मिले हैं। मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि JDU नेता कामेश्वर सिंह अपने घर में नहीं रहते हैं, उनके घर में किरायेदार रहते हैं, उसके पास से यह शराब मिली है। यह मामला छपरा के मढौर का है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। नवादा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद यात्रियों ने इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक के पैकेट से आधार कार्ड बरामद हुआ है, जिसमें युवक का नाम नवलेश कुमार घर अकबरपुर बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल घटना की जाँच में जुटी है। नालंदा नगर थाना अंतर्गत महलपुर मोहल्ला के देर रात किशोर ने खुद को कमरे में बंद कर सिर में गोली मार ली। मृतक राजेश कुमार का 17 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। परिजनों ने बताया कि किशोर नशेड़ी था। पूर्व में उसे पटना के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से लौटने के बाद वह फिर से ड्रग समेत अन्य तरह का नशा करने लगा। रात में वह घर आया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसके कमरे से गोली की आवाज आई, तब परिवार के लोग दरवाजा तोड़ अंदर दाखिल हुए। कमरे में किशोर की लाश पड़ी थी। नवादा जिले के पकरी बरवा प्रखंड के तिरवा निवासी जगदीश यादव ने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका नीतू कुमारी के विरुद्ध DM उदिता सिंह को एक आवेदन देकर आरोप लगाया है। उन्होंने शिक्षिका पर आरोप लगाते हुए फर्जी प्रमाण पत्र पर किसी अन्य के प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही हैं। DM को दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि नीतू कुमारी पंचायत शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय तिरवा के पदस्थापित है। दूसरी शिक्षिका नीतू कुमारी ही है, जो पटना के अठमलगोला प्रखंड स्थित रामनगर करारी नीमा स्थित प्राथमिक विद्यालय झुगी झोपड़ी में कार्यरत हैं। वहीं DM उदिता सिंह ने आवेदन के आलोक में विधि समस्या जांच करने का शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन अग्रसित किया है।